हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास टुडे वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर एट आज हम चैप्टर एट का बचा हुआ भाग करेंगे पार्ट टू एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज मॉस्किटोज के लिए दावत आई थिंक आपको पार्ट वन अच्छे से याद होगा नाउ लेट्स कंटिन्यू पार्ट टू अब पार्ट टू को कंटिन्यू करते हैं Here,

ये मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं अब यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दे रखे इनसे बचने के तरीके ये हमने पढ़ने हैं डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें द पिट्स गड्ढों को भर दें कीप वाटर पोर्ट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन वाटर पोर्ट्स कूलर और टैंक्स को साफ कर दें दे शुड भी ड्राइड एवरी वीक और हर हफ्ते इन्हें सुखाना भी चाहिए

ये पोस्टर कुछ कुछ लार्वा के बारे में भी बता रहा है व्हाट आर दो ये सब क्या होते हैं नैन्सी कहती है दे आर बेबी मॉस्किटोज ये बेबी मॉस्किटोज हैं बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल लेकिन ये मॉस्किटोज जैसे दिखाई नहीं देते हैं आरती वेयर डिड यू सी देम तुमने इन्हें कहा देखा नैन्सी कहती है देर वॉज एन ओल्ड पोर्ट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे एक पुराना पॉट पड़ा हुआ था इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज कुछ दिनों से पानी से भर गया था वेन आई लुक देयर जब मैंने इसे देखा आई सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग मैंने देखा कि उसके अंदर ग्रे कलर की कुछ चीजें तैर रही हैं आई वॉज सरप्राइज मैं हैरान थी वेन मम्मी टोल में जब मम्मी ने मुझे बताया दैट हैड कम आउट ऑफ द एग्स ये अंडों में से निकले हैं विच मॉस्किटोज ले इन वाटर जो मॉस्किटोज ने इस पानी में दिए थे दे आर कॉल्ड लार्वा इन्हें क्या कहते हैं लार्वा। I also heard something about this on the radio. इसके बारे में मैंने रेडियो पर भी सुना था। तुमने क्या किया नैन्सी पापा इमिजिएटली थ्रू अवे द वॉटर पापा ने फटाफट उस पानी को फेंक दिया ही क्लीन एंड ड्राइड द पोर्ट उन्होंने पॉट को साफ किया और सुखा दिया एंड कैप्टिट इट अपसाइड डाउन और उसको उल्टा करके रख दिया सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट ताकि उसमें कोई पानी इकट्ठा ना हो सके ये देखिए इस ग्लास में बेबी मॉस्किटो यानी कि मॉस्किटो के लार्वा दिखाए हुए हैं जसकीरत कहती है शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिजीजे शाजिया आंटी ने मुझे बताया था कि फ्लाइज मक्खियां भी बीमारियां फैलाती हैं स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम स्पेशली पेट की बीमारियां रजत कहता है बट फ्लाइज डोंट बाइट लेकिन फ्लाइज तो हमें काटती नहीं है Then how do they spread diseases? फिर वो बीमारियां कैसे फैलाती हैं अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले हम ये मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देख लेते हैं ठीक है लाइफ साइकिल मतलब कैसे शुरू होता है और फिर बड़ा मॉस्किटो कैसे बन जाता है ये देखिए यहाँ पर ये अडल्ट मॉस्किटो है बड़ा मच्छर है इसने अंडे दिए पानी में इस तरह से ठीक है अब अंडो में से निकले लार्वा छोटी छोटी जो छोटे छोटे कीड़े से दिखाई देते हैं ना पानी में पतले पतले से ग्रे कलर के वो कहते हैं लार्वा और लार्वा में से बन गया प्यूपा इस तरह के स्ट्रक्चर प्यूपा के बाद फिर इसमें से से विंग्स निकलने शुरू हो जाते हैं और ये फिर से बड़ा मच्छर बन जाता है तो ये क्या है मच्छर की लाइफ साइकिल ठीक है तो अंडे कहा देते पानी में तो आपने क्या करना है पानी इकट्ठा नहीं होने देना है चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप क्या आपने इस तरह का पोस्टर देखा है कहीं पर जैसा आप पिछले अभी पिक्चर में देखा हमने yes, हाँ, स्कूल के पास देखे अगर आपने कहीं और देखा तो आप इसका आंसर चेंज भी कर सकते हैं वट डू यू थिंक और न्यूज पेपर कौन इस पोस्टर्स को लगाता है या न्यूज पेपर में एड देता है आई थिंक दस सो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऐसा करती है आगे क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ़ द इम्पोर्टेंट गिवन इन द पोस्टर। इस पोस्टर में क्या क्या हुए है? है, सावधान रहना है सेकेंड है डोंट अलाउ वेट अराउंड यू अपने आस पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है क्लीन योर सराउंडिंग्स टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज अपने आसपास सफाई रखो ताकि मच्छर पनपने पाए

मच्छरों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगे वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर इस पोस्टर में टैंक कूलर और पिट की फोटो क्यों दिखाई गई है दीज आर द्लेसेस वेयर वाटर कैन स्टेग्नेट ये वो जगह है जहां पर पानी इकट्ठा हो सकता है एंड कुड अलाउ मॉस्किटोज अ ब्रीडिंग ग्राउंड और मॉस्किटोज को पनपने के लिए जगह मिल सकती है फिर आगे दिया हुआ क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक फिश डालने की सलाह क्यों दी हुई है इट टॉक्स सो बिकॉज़ द फिश ईट्स लार्वा ऑफ मॉस्किटो क्योंकि मछलियां जो हैं वो मॉस्किटोज के लार्वा को खा जाती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाती व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर क्या होगा अगर पानी के ऊपर तेल डाल दिया जाए थम ऑफ ऑइल ऑन वाटर नहीं मिल पाएगी एंड लार्वाइज एंड हाउ कौन कौन सी बीमारियां मक्खियों से फैलती हैं और कैसे फॉलोविंग डिजीजेस आर स्प्रेड बाई फ्लाईज डाइसेंट्री कोलेरा टाइफ एनथ्रेक्स इस तरह की बीमारियां जो है वो मक्खियों से फैलती है

और जब हम वो खाना खाते हैं तो वो बीमारी हमारे अंदर आ जाती है इस तरह से मक्खियां क्या करती हैं बीमारी फैलाती हैं यहाँ पर एक सर्वे दिया हुआ है जो आपने अपने तीन ग्रुप्स के साथ मिलकर करना है डिवाइड योर क्लास इंटू टू और थ्री ग्रुप्स अपनी क्लास को दो और तीन ग्रुप्स में बांट लो ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट हर एक ग्रुप को अपने स्कूल के आसपास के एरिया में जाना है इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वॉटर है आपने नोट करना है कि कहीं पर पानी इकट्ठा है या नहीं है एंड इट फाइंडर और जहाँ पर भी पानी इकट्ठा है आपने उसके सामने मार्क लगा देना है जैसे कि ये चीजें दी हुई है पॉट कूलर टैंक एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड गटर एनी अदर प्लेस ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है ये आपने खुद करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, First question है नी डेज है पानी इकट्ठा है एक हफ्ता है या एक हफ्ते से ज्यादा है तो आपने इसके अंदर वो लिख देना है किसकी है या तो स्कूल की है या सिटी की है या फिर ग्राम पंचायत की अगर गाँव का स्कूल है तो पंचायत की है नेक्स्ट है गटर और ड्रेन्स को कौन रिपेयर करेगा वही अगर सिटी की है तो म्युनसिपल पार्टी वाले करेंगे नहीं तो ग्राम पंचायत के लोग करेंगे कैन एनी लार्वा भी सीन इन द कलेक्टेड वाटर क्या इस इकट्ठे हुए पानी में कोई लार्वा दिखाई दिए हैज इट कॉल्स एनी प्रॉब्लम इन द एरिया क्या उस एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई उनसे तो इसके बारे में आपने आंसर्स लिखने हैं खुद सर्वे करना है उसके बाद आप इसमें आंसर्स लिखेंगे नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप वन वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन अवर स्कूल विच इज कॉल्ड एल हमने अपने स्कूल की टैप्स के आसपास कुछ ग्रीन कलर की संरचनाएँ देखी जिसे एल कहा जाता है ड्यू टू एल जी अ काइंड ऑफ प्लांट इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी एल की वजह से जो एक तरह के पौधे होते हैं वो जगह स्लिपरी हो गई द एल जी स्प्रेड्स अलॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये एल बरसात के सीजन में ज्यादा फैलती है वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर हमें लगा कि ये छोटे छोटे पौधे हैं जो पा, पानी में उगते हैं ग्रुप टू अब ग्रुप टू ने, ने क्या देखा देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल स्कूल के पास एक पॉन्ड है तालाब है एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द दॉटर इन द पॉन्ड एज इट इज कम्प्लीटली कवर विद प्लांट्स पहले पहले उस पानी को हम नहीं देख पाए क्योंकि वो पौधों से पूरी तरह से ढका हुआ था वन आंटी टोल्डर एक आंटी ने हमें बतायाल्स इन वॉटर कि ये पौधे पानी में अपने आप उग गए हैं अराउंड द पोंड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर पौंड के चारों ओर गड्ढे थे जो वो भी पानी से भरे हुए थे वी ऑल्सो सा इन द वॉटर और हमने पानी में लार्वा भी देखे एज वी मूव्ड अराउंड जैसे जैसे हम वहां से चले लॉर्ड्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स उन पौधों से बहुत सारे मच्छर उड़ने लगे जसकीरत फील्स दैट देर आर सो मेनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी डी पोन्ए जस्कीरत को महसूस हुआ कि इस पौंड की वजह से ही उसके घर में इतने ज्यादा मच्छर हैं अब फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं और आपने बताना है ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है ये पिक्चर एल की है आपने भी इस तरह से ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स देखी होंगी पानी पर इसे क्या कहा जाता है एल जी अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल क्या आपके घर या स्कूल के आसपास कोई पॉन्ड है गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स जाओ और देखो इन चीजों को फर्स्ट है कैन यू सी एल जी और अराउंड द वॉटर क्या आपने पानी के अंदर और पानी के आसपास एल जी को देखा है Where else have you seen algae? इसके अलावा आपको दिखाई दी? क्या पानी के अंदर और साइड में प्लांट्स हुए थे? Find out their names, उनके नाम जानने की कोशिश करो या आप उन्हें नोटबुक में भी बना सकते हो डू यू थिंक दिज वो बाई सम आप उगे या उन्हें किसी ने उगाया? उगायाट एल्स कैन यू सी इन वॉटर इसके अलावा आपको पानी में क्या दिखा ठीक है चलिए अब इन क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं यस आई कैन सी एल इन और अराउंड द वाटर पानी में और पानी के बाहर मैंने एलगी देखी आई हैव सीन ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड्स एंड पूल्स नियर द ड्रेन हैंडपम्प्स एटसेट्रा इसके अलावा पॉन्ड के सरफेस पर पूल और नियर द ड्रेन्स नालों के आसपास और हैंडपम्प के आसपास भी मुझे एल्गी दिखाई दी यस देर आर सम्मॉल प्लांट प्लांट ऑन द साइडर पानी के अंदर और पानी के आस पास भी पौधे उगे हुए थे ऑल दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देअर ओन ये सभी पौधे अपने आप उगे थे वी कैन ऑल्सो फाइंड स्मॉल फिशेज फ्रॉग मॉस्किटो लार्वा एंड टाइनी इंसेक्ट फ्लोटिंग इन वाटर आपको पानी में और क्या क्या दिखा छोटी छोटी मछलियाँ मेढक मच्छरों के लार्वे और साथ में छोटे छोटे इंसेक्ट इसमें दिखाई दिए अब बारी आती है एक साइंटिस्ट की और ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था और साइंटिस्ट पीप्स इंटू मॉस्किटो स्टमक एक साइंटिस्ट ने जब मॉस्किटो के पेट में झांका पीप का मतलब क्या होता है झांकना और वो साइंटिस्ट कौन थे रोनाल्ड रोस चलिए इनकी स्टोरी पढ़ते इन्हीं के शब्दों में इन्होंने खुद इस स्टोरी को लिखा है माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी मेरे पिता इंडियन आर्मी में एक जनरल थे आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था बट वॉट आई रियली लाइक टू वॉज रीडिंग स्टोरीज राइटिंग पोइट्री म्यूज़िक एंड ड्रामा लेकिन मुझे पसंद क्या था स्टोरीज पढ़ना पसंद था पोइट्री लिखना पसंद था म्यूज़िक और ड्रामा भी पसंद था इन माई फ्री टाइम आई इन्जॉय डूइंग ऑल दिस खाली टाइम में मैं इन सब को करता था

टाइनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट के ब्लड में खून में छोटे छोटे जर्म्स पाए वेन ही ऑब्जर्व इट अंडर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड लेकिन वो समझ नहीं पाया हाउ डिज हैड गॉट इन टू द पेशेंट ब्लड कि ये पेशेंट के ब्लड में गए कैसे माई प्रोफेसर है इसके बारे में कुछ आइडिया था आई थिंक दैट दिज मे बी कैरिड बाई मॉस्किटो मुझे लगा कि वो किसी तरह के मॉस्किटो की वजह से फैले हैं एज स्टूडेंट क्योंकि मैं उनका एक स्टूडेंट था आई स्पेंड ऑल माई मॉस्किटोज मेरा सारा समय जो है मच्छर पकड़ने में ही जाता था टू कैच एंड ऑब्जर्व उन्हें पकड़ता था और देखता था वी यूज टू कैरी एम्पटी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटो हम खाली बोतल को लेकर मच्छरों के पीछे भागते रहते थे

अब पेशेंट्स को क्या दिया जाता था पैसा दिया जाता आना जो है पैसे की ही एक हम कह सकते करेंसी है जो पुराने टाइम में यूज करते थे बाइट दैम एक मच्छर के काटने के लिए उन्हें एक आना दिया जाता था आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दोज डेज मुझे वो दिन हमेशा याद रहेंगे हॉस्पिटल के जब वो सक, सकंदराबाद में थे हाउ वी Used to cut open the वो किस तरह से मॉस्किटो के स्टमक को काटते थे, थे? घंटों माइक्रोस्कोप के ऊपर झुका रहता था बाई नाइट माई नेक वी स्टिफ एंड माई आईज कुरली रात तक मेरी गर्दन अकड़ जाती थी और मैं कुछ भी साफ साफ देख नहीं पाता था इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी ड्रेअ नॉट फैन आवर सेल्स बहुत गर्मी थी लेकिन फिर भी हम फैन चलाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे एज ऑल द मॉस्किटोज व्लाई ऑफ इन द ब्रीज क्योंकि हवा से सारे मॉस्किटोज उड़ जाते वंस आई ऑल्सो फेल इद मलेरिया एक बार मुझे खुद को भी मलेरिया हो गया था आई स्पेंट मंथ लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप मैंने महीनों जो है माइक्रोस्कोप के साथ बिताई बट कु एनीथिंग लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिला वन डे वी कॉट अटोकेंट एक अलग तरह के मॉस्किटोड़ा देवर ब्राउनिश् वो ब्राउन कलर के थे और उनके विंग्स जो है स्पॉटेड थे मतलब उनके ऊपर धब्बे थे मैंने लुकड इन टू द स्टमक जब मैंने उनके पेट में देखा वो फीमेल मॉस्किटोज थे आई सा समथिंग ब्लैक देयर मैंने उसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का पाया आई लुक क्लोजर बहुत ज्यादा पास जाके देखा आई सा दैट दिस टाइनी जर्म्स लुकड जस्ट लाइक दैट वर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट मैंने देखा कि ये जर्म्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर पाए थी एट लास्ट वी हैड द प्रूफ और आखिर में हमें प्रूफ मिल ही गया मॉस्किटोज डेड स्प्रेड मलेरिया की मॉस्किटोज ही मलेरिया फैलाते हैं इन दिसंबर 1902, 1902 में दिसंबर में रोनाल्ड रोस गॉट द हाइएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी रोनाल्ड रोस को उनकी डिस्कवरी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया और कौन सा है वो सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1905, 1905 में इवन एज ही ले डाइंग रोनाल्ड रोस लास्ट वर्ड्स वर रोनाल्ड रोस के जब लास्ट वर्ड जब वो मर रहे थे क्या थे i will find something मैं कुछ ढूंढ लूंगा i will find something new मैं कुछ नया ढूंढ लूंगा here और सेकंड पार्ट इज आल्सो कंप्लीटेड हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है we will meet again and thanks for watching students and do subscribe my channel bye bye students